गोरखपुर के चौरी चौरा बाल बुजुर्ग गांव में आज उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में एक युवती का खून से सना शव ग्रामीणों ने देखा। युवती की हत्या गला रेत कर की गई थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आसपास के इलाके में भी युवती के शव की शिनाख्त के लिए खोजबीन की, लेकिन काफी देर तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में SSP संजीव गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का पता लगा लिया जाएगा। केंद्र और प्रदेश की सरकार भले ही किसानों के हित की बात करती हो, लेकिन विकास भवन में अपना गन्ना लेकर पहुंचे दर्जनों किसानों ने दावों की पोल खोल कर रख दी है। मुसहा गन्ना केंद्र से एक दर्जन से अधिक किसान गन्ना लदी ट्रैली ट्रैक्टर लेकर विकास भवन पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि मुसहा क्रय केंद्र पर घट तौली पकड़ी जाने के बाद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई के बजाय किसानों पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। धरने पर बैठे किसानों की मांग थी कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, जिम्मेदारों और कार्रवाई हो और किसानों का बकाया अविलंब भुगतान कराया जाए। यूपी के हाथरस जिले में घर में अकेली महिला को पाकर पड़ोसी युवक ने महिला को उसी के घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर पड़ोसी आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर उसका डॉक्टरी परीक्षण कराकर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामला थाना कोतवाली सहपऊ के क्षेत्र के एक गांव का है, जहां में सो रही महिला को पड़ोसी युवक ने दबोच लिया और बंधक बनाकर उसी के घर में दुष्कर्म कर डाला। महिला के शोर मचाने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। महिला घर में अकेली रहती थी। उसका पति हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस ने पीड़ित महिला का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की तलाश जारी है, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये एक मामला आया था जयपुर में, जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था एक व्यक्ति पर और उसमें अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है और अभी वो जो अभियुक्त है अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया। आज शाम तक टीम रवाना हो गई, गिरफ्तार हो जाएगा। राजधानी पटना से सटे दानापुर स्थित प्रेरणा छात्रावास में एक छात्रा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पटना के नारी गुंजन संस्था द्वारा संचालित महादलित मिशन बिहार में तारेगना मसौटी की महादलित छात्रा शोभा कुमारी, पिता उमेश मांझी, जो वर्ग अष्टम की छात्रा थी और छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती थी, जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि नारी गुंजन के संस्थापक और विद्यालय पदाधिकारियों के द्वारा एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं परिजनों ने मांग की है कि इस मामले की जांच CBI से कराएं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता आज महोबा पहुंची। आयोग की सदस्य ने बुंदेलखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर करीब 2 घंटे तक BJP महिला पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर आला अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के निदान के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।